जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सबको पता है कि 14 चीजें निकली, पता है आपको, विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी जो इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ नामक मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा निकली रंभा, उसके बाद लक्ष्मी निकली, उसके बाद वारुणी यानी कि शराब निकली, फिर चंद्रमा निकला, फिर पारिजात का पेड़ निकला, पांचजन्य नामक एक शंख निकला जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, और धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर। पता है सबको 14 रत्न निकले? आज तक आपने 14 रत्न सुने होंगे, मुझे ये बताइए ऐसे क्यों निकले कि पहले विष निकला फिर कामधेनु निकली? ऐसे भी दोस्त था पहले कामधेनु निकल आती, बल्कि ज्यादा अच्छा होता पहले शराब निकलती, पीपा के छुट्टी, पहले कालकूट विष निकला। यह समुद्र मंथन मूलतः आपकी आत्मा का मंथन है। आत्मा क्या है? परमात्मा यानी कि समुद्र, और हम कौन है? बूंद। अगर हमने अपनी आत्मा का मंथन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये 14 रत्न निकलेंगे। कुमार जी, सनातन धर्म की कई कथाएं साइंटिफिकली गलत लगती हैं। अभी तो बताया था भैया तेरी साइंस बहुत पीछे चल रही है, थोड़ा स्पीड बढ़ा। धर्म की माने तो चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला, और अब चंद्रयान 2 के समय ऐसी कथाओं पर क्या भरोसा करूं। अब देखिए, जितनी भी कहानियां हैं और जितनी ये राम की कहानी है, इसको आप, मैंने कल भी कहा था, इसको सिंबॉलिक सीखिए। आप सबको पता है कि समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र का मंथन माने देवताओं ने और असुरों ने कहा यार इसमें बहुत माल पड़ा है, निकाल लेते हैं। ये कैसे पता था कि तेल कहां निकलेगा? सैटेलाइट के बाद से पता चलना शुरू हुआ। आज भी बहुत सारा भारत में आयरन ओर पड़ा हुआ है, जगह जगह गोल्ड पड़ा हुआ है, पता नहीं है, निकालेंगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सबको पता है कि 14 चीजें निकली, पता है आपको, विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी जो इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ नामक मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा निकली रंभा, उसके बाद लक्ष्मी निकली, उसके बाद वारुणी यानी कि शराब निकली, फिर चंद्रमा निकला, फिर पारिजात का पेड़ निकला, पांचजन्य नामक एक शंख निकला जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, और धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर। पता है सबको 14 रत्न निकले? आज तक आपने 14 रत्न सुने होंगे, मुझे ये बताइए ऐसे क्यों निकले कि पहले विष निकला फिर कामधेनु निकली? ऐसे भी दोस्त था पहले कामधेनु निकल आती, बल्कि ज्यादा अच्छा होता पहले शराब निकलती, पीपा के छुट्टी, पहले कालकूट विष निकला। ये समुद्र मंथन मूलतः आपकी आत्मा का मंथन है। आत्मा क्या है? परमात्मा यानी कि समुद्र, और हम कौन है? बूंद। अगर हमने अपनी आत्मा का मंथन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये 14 रत्न निकलेंगे। पहला रत्न कालकूट विष, यानी कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ में दुनिया का उपहास, दुनिया की निंदाएं, इसका विष पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंभ हो गई, पहला रत्न आपका। अपयश बहुत परेशान करता है, निंदा बहुत दुखी करती है, और अब सोशल मीडिया के जमाने में तो निंदा और प्रशंसा दोनों बहुत तेजी से फैलती हैं। मेरे को अभ्यास है कि मैं कई बार खुद लिखता हूं फेसबुक पे, कोई लिखना होता है। बंबई जा रहा था, मैंने कुछ लिखा, मेरी आदत है जो मुझे फॉलो करते हैं वो देखते हैं, मैं लिखने के बाद 3-4 बिंदी लगाता हूं, वाक्य समाप्त नहीं करता, यानी कि कहता हूं आगे बढ़ेगी बात। तो मैंने 5 बिंदी लगाई और उसी मैटर को कॉपी करना चाहा कि इसी मैटर को इंस्टा पे लगा दूंगा। वो गलती क्या हो गई, कॉपी की जगह कट जम गया और कट करके मैंने वो पोस्ट कर दिया। उसी समय वो बच्ची बोली कि सर मोबाइल बंद कर लीजिए, तो मैं चेक भी नहीं कर पाया। अब हालत यह कि 5 बिंदी लगी हुई है और पोस्ट होगी। आपको आश्चर्य होगा, मैं बंबई उतरा तो मैं 10 मिनट तक हंसता रहा, नीचे 2700 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। कुमार जी मन जीत लिया क्या? पंच तत्व की व्याख्या करी है आप,
एक कह रहा है नहीं नहीं पंच तत्व की नहीं, इससे तो ऊपर उठ गए, ये पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में बात की जा रही है। ये कालकूट विष है अपमान का, ये जगत की निंदा का विष है। अगर आपने इसे जीत लिया, पहला रत्न, अगला रत्न जो आ रहा है उसे भी आप देखेंगे, अगर आपने इसे जीत लिया तो आपको क्या मिलेगा? कामधेनु, यानी कि आपको प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त होगी। जब चाहा प्रतिभा का दूध निकाला और जगत को पिला दिया तब आपको प्राप्त होगा। तीसरी चीज क्या हो गई? अब आपको प्रतिभा भी मिल गई। तीसरी चीज निकली समुद्र मंथन से उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, यानी कि आपने जगत की निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे, और आपने प्रतिभा को भी साध लिया कामधेनु के रूप में कि 24 घंटे मेहनत आप कर सकते हैं, तो फिर आपके संकल्पों को ऐसी गति मिलेगी जैसी उच्च श्रवा नामक पंख जड़े हुए घोड़े के माध्यम से मिलती है। और अगर आपने संकल्पों को गति ले ली तो चौथी चीज क्या निकली थी? ऐरावत, हाथी, यानी कि आपकी संघर्षों के ऊपर आपको एक जगह मिल जाएगी कि अब आप ऊपर बैठ गए। हाथी की क्या गति है? हाथी गांव में आता है, आपने एक बात देखी होगी, हमारे गांव में आता था, आप पता नहीं गांवों से कितने लोग यहां हैं। हाथी जब भी गांव में आता था सारी महिलाएं दरवाजे पे आ जाती थी, गणेश जी आ गए, कोई ईख ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई पैसे दे रहा है, पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था, एक एक बालक बच्चा प्रसन्न हो जाता था। हाथी के गांव में आने से एक ही जीव परेशान होता है, कौन? कुत्ता। पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते हैं। जब भी प्रतिभा का हाथी किसी गांव से निकलता है उसके आकार से टक्कर न ले पाने वाले कुंठित कुत्ते भौंकते हैं। और आश्चर्यजनक बात देखो, ये कुत्ते आगे नहीं भौंकते, ये पीछे भौंकते हैं। इन्हें पता है कि आगे अगर आ गए तो यहीं से उस लोक जाओगे जहां की कामना है। ये कुत्तों का स्वभाव है कि प्रतिभा का हाथी जब भी जगत की वीथियों से निकलता है तो पूरे गांव के रास्ते भौंकते हुए जाए। वो इस बात से नाराज नहीं है कि हाथी क्यों आया, वो इस बात से नाराज है कि इसको इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। हमको तो लात पड़ती है जिस दरवाजे जाओ, दूर मार डंडा, अरे खाना रखा कुत्ता आ गया तेरा डंडा मार देना। और एक ये है, दूसरे वो इस बात के लिए भी भौंकते हैं कि हम इतना भौंक रहे हैं और फिर भी इसकी चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसी मस्तानी चाल से जा रहा है। अगर आपके संकल्प को गति मिल गई तो ये हाथी का स्वभाव प्राप्त होगा। जब भी आपकी प्रतिभा के पीछे कुत्ते भौंके तो परेशान मत होना, क्योंकि आज तक किसी भी हाथी को भौंकते भौंकते कुत्ते अपने गांव से बाहर नहीं गए, उसी गांव में रह जाते हैं, उनकी इतनी औकात होती है कि वहीं तक रह जाएं, क्योंकि उनकी एक हद है, उनकी सीमा है, कुछ देर तक भौंकेंगे और मुड़ने के बाद एक दूसरे की तरफ देखेंगे, अच्छा भौंका ना, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और फिर एक दूसरे को प्रशंसा करते हुए आकर फिर उसी जुगाड़ में लग जाएंगे कि आज शाम खाना कहां हो। हाथी अगले गांव में आदर लेने के लिए चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का सम्मान तो अपने देश में होता है, विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। अगर आपने संकल्पों को गति ली तो ऐरावत हाथी की भांति आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और कौस्तुभ मणि पांचवी चीज है जो श्रीहरि विष्णु के माथे पर लगती है। अगर आपने लोगों की जन आकांक्षाओं को ऊपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से बेखबर रहे तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि रखी जाएगा। एक के बाद एक क्यों निकल रही है, आगे पीछे क्यों नहीं निकल? इसलिए निकल रही है क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है। और अगर आपको कौस्तुभ मणि मिल गई, अगर आपने जनता की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान स्नेह देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला इसके बाद छठे नंबर पर? कल्प वृक्ष। आपका जीवन कल्प वृक्ष जैसा हो जाएगा, आपको कुछ मांगना सोचना नहीं पड़ेगा, आप अच्छा संकल्प सोचोगे और सारे साधन सामने उपस्थित हो जाएंगे, काम अपने आप होता चलेगा।
जिन लोगों को भी मेरे प्रति शंका ये रहती है कि कैसे बनेगा भारत कुलम, मैं कहता हूं यात्रा चल रही है, अपने आप बनेगा, मुझे नहीं पता कहां से बनेगा, बन जाएगा। लेकिन जब ये सब हो जाता है तो इसके बाद फिर परीक्षा प्रारंभ होती है, सातवीं चीज निकलती है, अप्सरा, रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। अब आपको वासना खींचना प्रारंभ करेगी। वासना यानी कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि सबका मेरे पास हो, रावण तत्व, सबका मैं खींच लूं, सब चीज मेरे पास हो। और अगर आप इससे बाहर निकल आए तो फिर आपको देवी लक्ष्मी अर्थात धन और सामर्थ्य की उपलब्धि होगी। लक्ष्मी के आते ही आसुरी प्रवृत्ति, अपप्रवृत्ति ज्यादा सबसे पहले आएगी, यानी कि शराब वारुणी सबसे पहले आएगी, दौलत का नशा सबसे पहले आएगा। मैंने कल सुनाया था ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अगर लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो फिर असुर प्रवृत्ति आएगी, और अगर इस पर कब्जा कर लिया तो वारुणी के बाद क्या निकला दसवें नंबर पर? चंद्रमा, यानी कि व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनके पास अपरिमित धन है, अपरिमित धन है, हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसी बालकों जैसी शीतलता है उनके अंदर। और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकलेगा? प्राजक्ता, पारिजात, यानी कि आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये फैल गई तो बारहवें नंबर पर क्या निकलेगा? पांचजन्य, यानी कि उद्घोष, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी कि क्या अद्भुत आदमी है। और इसके बाद निकलेंगे धनवंतरी अमृत को लेकर, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे और आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपकी जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे पे आए, आपके पास आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। ये 14 रत्न। पर समस्या यह है कि तुम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपने बुजुर्गों के पास बैठ नहीं रहे हो, तुम अपने व्याख्याकारों में आस्था नहीं रख रहे हो, और फिर कहते हो ये प्रश्न मुझे देकर कि मुझे कैसे, मैं कैसे भरोसा करूं कि चंद्रयान ऊपर पहुंचे। हमारी हालत बताए कैसी है तुम्हारी, हमारी? मुझे बहुत लोग मिलते, कुमार जी हमारे घर में बड़ा धर्म का सब कुछ है जी। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर हमारे यहाँ बना हुआ है, रोज पूजा होती है जी, पंडित जी आते हैं रोज। अच्छा जी, मैं गया, बड़ा सुंदर मंदिर, भगवान बीच में विराजमान है, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी लाइटिंग, बड़ा अच्छा इंटीरियर। रात को उनके यहाँ भोजन था, 9-10 बजे भोजन हुआ, दो बच्चे ऊपर थे, उनको आवाज दे रहे थे कि नीचे मिलने, वो आए ही नहीं। जब जाने लगा तो वो बचने की कोशिश कर रहे थे 11:30 बजे, क्योंकि उनके परिवार की एक बालिका सामने से उतर के आ रही थी, वो जिस अवस्था में थी और जिन खुशबुओं से भरी हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि मैं देखूं। तो फिर कैसे ये बात है? इतना धर्म है, इतनी पूजा है, फिर ये कैसे हो गया भैया? एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा, नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन थे नहीं, एक दो साल तो बुढ़िया ने बेचारी ने काम चलाया, जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी, 2-4 साल भीख मांगती रही। किसी ने कहा बुढ़िया से, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला, गया नौकरी करने के लिए तो तेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेजता है। बोले पैसे नहीं भेजता? बोले ना चिट्ठी भेजा है, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा के रख लूंगी, बच्चे ने रखी है। बोले क्या कागज है? अंदर गए जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10,000 रुपए के, भीख मांग रही थी। लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो।